बेसिकली हम लोग जब भी पेरेंटिंग या बच्चों के केयर की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो सवाल होते हैं, एक तो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है मतलब शारीरिक विकास, और दूसरा पढ़ाई। ज्यादातर गार्जियन सिर्फ इन्हीं दोनों बातों से कंसर्न होते हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं कि जिस क्षेत्र में बच्चे का विकास होना चाहिए। और आपको इस दोनों के अलावा बाकी जो क्षेत्र हैं जैसे मानसिक में सोशल पर्सनल लैंग्वेज इंटरेक्शन, ठीक है, सो ओवरऑल प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड। हर एक माँ मेरी नज़र में एक साइकोलॉजिस्ट है, वो एक अच्छी डाइटिशियन है, वो एक अच्छी एजुकेशनलिस्ट है, बस ये है कि वो अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचान पाती। उसके मन में अपने बच्चे को आकाश को छूने की क्षमता रखने वाला एक विश्वास होता है, उस चक्कर में वो अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा खिला के उसकी साइकोलॉजी को ना समझ के अब उसको गलत मोड़ कर सकती है। सिनेमा देखते हैं तो आपकी एकाग्रता होती है उसमें, उस समय आप अपना फोन भी नहीं रिसीव करते हैं, उस समय आप अपने बच्चे पे भी ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा देखते हैं। तो ये जो मेमोरी है यादाश्त है उसका सबसे बड़ा रिलेशन आपके एकाग्रता से है। आप अगर जितने ज़्यादा एकाग्रता से पढ़ेंगे देखेंगे या कोई काम करेंगे उस संदर्भ में आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी बात, जो मेमोरी है वो दो तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं एक बार फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, कहने का मतलब कि जब आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो वो आप भूल जाएंगे कुछ दिन के बाद। कई खान पान तो नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है खान पान। आप थोड़ी देर अपने आप को देखना कभी कि आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ी देर बाद आपका दिमाग जो है एकदम गर्म होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, एंगर आने लगता है अपने अंदर से। जहाँ आपने एक कप चाय पी कोल्ड ड्रिंक लिया आप नॉर्मल हो गए। इसी तरीके से बच्चों के साथ भी होता है, आप या तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे होंगे, खाने में उनके ध्यान नहीं रख रहे। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की क्या है कि यहाँ पे खाने में प्रोटीन की कमी रखते हैं, फैट बच्चों को ज़्यादा खिलाते हैं, बच्चे ही नहीं बच्चे से लेकर बड़े तक। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुपोषण के रोगी इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे खाने में चिकनापन ज़्यादा होता है, प्रोटीन की बहुत कमी होती है। बच्चा ग्रोइंग पीरियड में है मतलब उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उनके खाने में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें जिससे कि उनका ग्रो हो सके, जैसे कि वो नॉर्मल दूध नहीं लेता है तो आप उसके डिजर्ट्स बना के उनको खिला सकते हैं। आलू नहीं खाता आलू की सब्जी तो उसे टिक्की के फॉर्म में खिला सकते हैं। न्यूट्रिशन को आपको स्वादिष्ट भी बनाना है, चाउमीन खाने की जिद कर रहा है आप घर पे उसके लिए कुछ सूप नूडल्स डाल करके बना सकते हैं, वेजिटेबल सूप बना के उसमें नूडल्स ऐड करके उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से उनका टेस्ट भी मिल जाएगा, उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और उनकी ग्रोथ भी हो सकेगी प्रॉपर। पेरेंट्स कोई इनकी कम से कम चार या पाँच घंटे मोबाइल से मोबाइल करते ही होंगे तो बच्चे वही जो पेरेंट्स कर रहे हैं जो आसपास लोग कर रहे हैं वही करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे बच्चे तो कॉपी करते ही रहेंगे।